कश्माला तारक दा सहाफियां नाल रवैया कदे भी शायस्ता नहीं रहा। आखिरी सवाल, आपको सलीम सैफुल्ला साहब ने एक्सप्लेनेशन लेटर दिया था, उसमें शायद उन्होंने कहा कि 8.5 लाख रुपया आपने जर्नलिस्टों के नाम का लिया था, कोई ये वाकई हकीकत है वैसे? नहीं, मैं तो नहीं, क्या क्वेश्चन बंद करो, इसको क्वेश्चन बंद करो, इसको क्वेश्चन बंद करो, इसको बंद बंद करो, नहीं आप बंद करो, इसको बंद। आप लड़ गए, मैंने आपसे क्वेश्चन किए, आप एक सेकंड, मुझे आपने बोला एक सेकंड, कैमरे के देखिए, ये कैमरे सवाल आप मेरे से कह रहे हैं, मैंने आपसे सिक्स क्या मतलब है, मैं तोड़ दूंगी मुक्का मार के यार। कदे ते ओ सवाल पुछन ते कैमरा तोड़न दी धमकी देंदियां ने, ते कदे सीधा सीधा हरासमेंट दा इल्जाम ला देंदियां ने। हुण मतीउल्लाह जान साहब दा उहनां दा कसूर की सी? सिर्फ इन्ना कसूर है कि उन्होंने सवाल किया कश्माला तारक नूं, कश्माला तारक नूं इस पाकिस्तान दा बच्चा बच्चा जानदा, कश्माला तारक क्या डिजर्व करती है, क्या एलिजिबल है कि उन्हें वफाकी मौत सब ला दिता जाए? सारी दुनिया ने पता है कि उन्हें ओबलाइज किया गया, और किदी वजह तो किया गया? एक वफाकी वजीर जिन्हां दे पार्लीमेंट लॉज दे विच ओह पिछले 4-5 साल तो रह रही सी, उस वफाकी वजीर ने कश्माला तारक नूं वफाकी मौत सब लुआया। अगर मतीला जान ने उस सवाल पूछे कश्माला नूं, क्या वह गलत सी? उस सवाल के हवाले नाल कई माजी च प्रोग्राम हो चुके हैं कश्माला और उस वफाकी वजीर दे तलक नूं लैके, कई अखबारों च स्टोरियां छप चुकियां ने, कई टीवियां ते टिकर और स्टोरियां चल चुकियां ने। अज अगर एक एंकर उस सच्चाई ते मबनी एक सवाल करता है तो तुसीं उहनूं मारना शुरू कर देंदे। ना सिर्फ मारिया उहनूं एंकर नूं मारिया, बल्कि पूरी टीम नूं मारिया गया, उत्थे साडे कैमरे तोड़े गए। उस तों बाद सिर्फ उस एक सवाल की वजह तो कश्माला तारक की खाई सी कि DV मैनूं दे दिओ, यह पूरी रिकॉर्डिंग जिहड़ी है मैनूं दे दिओ, यह ऑन एयर ना होवे। और उन्होंने वो किया भी, उन्होंने साडे कैमरे तोड़ के वो कार्ड उहदियां DV-ਆਂ कब्जे च लईआं ने। एक इंतहाई अफसोसनाक है। और तुसीं उस तों बाद हुकूमत दा रवैया देखो, वफाकी पुलिस जिहड़ी है साडी इस्लामाबाद की, वो बजाय कश्माला तारक या उन्होंने गुंडियां के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, वो साडे साफियां नूं तक घसीट देने पे। मतीउल्लाह जान नाल बदतमीजी कर रहे हैं, साडी बाकी टीम नाल बदतमीजी कर रहे हैं, एक इंतहाई अफसोस का मुकाम है। वो लोग करते हैं जेडे किसी भी पोस्ट पोजिशन से मैरिट के खिलाफ लगते हैं और वो डिजर्व नहीं कर रहे होंगे, वो एहोजियां फिर वो हरकतां भी करते हैं, तो उस असी तो जाहिर है भुगत ही रहे होंगे। लेकिन इस पर कोई गवर्नमेंट नूं भी कोई देखना चाहिए कि इस तरह के वाकियात वो दोबारा ना आन, और कोई उन्होंने अगर चाहे कोई चहेते होन या चहेतियाँ होन, लेकिन आज़ादी साफत जिहड़ी है वो सिर्फ साड़ी आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी साफत ज़ाहिर पूरे सोसाइटी नूं आज़ादी देने की गल करते हैं और वो रहनी चाहिए है। इस तरह के वाकियात मैं समझदा कि उनकी जिनी ज़्यादा मजम्मत की जाए कम है, और इस पर असी भी अगर इस पर कोई रोकथाम ना हो और कोई एक्शन ना लिया गया तो असी भी उस दे हवाले नाल आवाज़ उठावांगे, एहतजाज करांगे। और अगर कोई गवर्नमेंट उस हवाले नाल कोई अजाला करती है और उसनू कोई कोई उसकी सज़ा मुतय्यन करती है तो फिर ठीक है। यही साडा मुतालबा है कि आइंदा ना इस तरह के वाकियात होण। मेरा ख्याल है कि कोई गवर्नमेंट इस मौके पर कोई एक्शन लेगी, कोश के नाखुन लैके कुछ करेगी। अगर ना किया तो फिर जाहिर है असी तो अपना हक लेना है, साडा आज़ादी साफत यकीन है वो पूरे पूरे मुआशरे पूरी सोसाइटी वास्ते जरूरी है, और वो असी उन्दे ते कदगन और कोई पाबंदी नहीं लगन देंगे। मुशर्रफ दौर च अचानक सामने आने वाली कश्माला तारक ने कदे भी अमली सियासत च हिस्सा नहीं लिया, ना तो वह कभी इलेक्शन लड़के असेंबली पहुंचिया, ते ना ही मीडिया तो हट के उन्हां दी कोई अवामी पछाण है। उन्हां दी सियासत हमेशा क्या सराइयां ते इल्जामात दी जद च रही है। असी आज़ादी साफत पर यकीन रखने, आज़ादी जमहूरीयत पर यकीन रखने, आज़ादी अदलिया पर यकीन रखने, मगर यदा यह मतलब नहीं है कि अगर अज तुसी नून लीग दी धड़े चले गए हो, उहदे गोद जाके बैठ गए हो, तो फिर मैं बीबी तुहानू थोड़ा जिहा दस दिंदा वा, तुहाडी औकात हैगी है कि तुसी जदों किसी तुहानू कोई शादी ब्याह का फंक्शन आ जांदा सी या किसी पार्टी च इनवाइट तुहानू कर लिया जांदा सी, तुहानू मैं दौर याद कराउण लगा, अज दी फिल्म स्टार मारूफ अदाकारा कोलों मंग के कपड़े पाउंदे सी, तुहाडे कोल पाउण वास्ते कपड़े नहीं हुंदे सी, और अदाकारा अज भी फिल्म स्टार है, अज भी वो TV ते छाई है, ठीक है, एक वड्डा नाम है, तो मैं जरूरत पेगी फिर नाम भी ले लाँगा, तो वह भी आ जाएगी इंटरव्यू वास्ते, मतीउल्लाह जान की सपोर्ट वास्ते आ जाएगी। उस खातून कोलों, उस साड़ी दोस्त कोलों तुसी कपड़े मंगदे सी, उन्हों 5 दिन पहले दस देंदे सी कि मैं फलां दिन मैं शादी का फंक्शन अटेंड करना है, तो मेरे को ते कपड़े नहीं है और मेरे घर दे हालात नहीं है, और जो तुसी पहला टूर किया आउट ऑफ कंट्री का उदो ताड़े को टिकट नहीं सी, वीज़ा तुहानू किसी ने लवा दिता सी, वह भी उस
एक्ट्रेस ने तुहानू पैसे भी दिते ते नाल ड्रेसिस दिते कि उत्थे यूके जाके आ कपड़े पाने ने ते तुसी सानू नहीं दसनी साफत साफत सानू नहीं दिखानी तुसी हमायूं अख्तर दे नाल तुसी किन्ना अरसा रहे किन तालुक दी बेस ते रहे किस हैसीयत च रहे जनाब तुसी उह तुसी हमायूं अख्तर तुसी हमायूं अख्तर दे खर्चे ते रहे इस मुआशरे दे विच जिथे तुसी सानू खलाकियत दा दर्स दे रहे हो खलाकियत ए ने ठीक है मतीउल्लाह जान ने सवाल तुहाडे कोल नहीं पुछे होने पर ना ही मतीउल्लाह जान ने तुहानू यह पुछया होना चक शहजाद जिहड़ी एकड़ां च तुहानू जमीन मिली उह किहने दित्ती चक शहजाद दे विच जिहड़ी तुहाडी लैंड है प्रॉपर्टी है वह तुहानू जिस शख्स ने दित्ती है उहदे नाल ते तुहाडा निकाह भी नहीं उहदे नाल तुहाडा कोई शरई तालुक भी नहीं उहने किस हैसीयत दे विच तुहानू एडा वड्डा तोहफा दे दित्ता ख्वाजा आसफ दे नाल तुहाडा की तालुक तुहाडा खावंद है शोहर है नहीं है तो तुसी इन्ने अरसे तो हुण जरूरत जदों पएगी तो फिर वह चीज़ां भी असीं सामने लैके आवांगे उन्हां दे माजी दी हकीकत भावें कुछ भी होवे मतीउल्लाह जान नूं सवाल करन उत्ते धमकियां देना ते हरासमेंट दा सिद्धा सिद्धा इल्जाम ला देना उन्हां दे अंदर दी हकीकत नूं जरूर जाहिर करदा है अब आप जरा नाराज हो गई हैं तो इस वजह से मैं कोई जवाब देना ही नहीं चाहती बिकॉज ऑब्वियसली नाराजगी वाली आप बातें कर रहे हैं नहीं बात है सवाल आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं द पॉइंट इज यू केम हियर विद अ माइंडसेट वी वर हियर टू डिस्कस women issues अच्छा on women okay let's day. get to no. the women issue agar aap women issues pe baat karna chahte hain mujhe lagta hai is waqt pakistan ki khawateen ka sabse bada masla kya hai madam jo bata rahi hain last wala jo informal hai ye bhi rokte inki bhi pakdo camera bhi nahi jayega ye bhi rokte inki bhi pakdo camera bhi nahi jayega just stop it abhi nahi jayega camera pakdo log pakdo log baat kya matlab nahi jayega nahi jayega police ko call kare aise yahan ho nahi jayega abhi kya bahar nahi jayega yahan bahar nahi jayega kya hai woh nahi chalega ye interview कदी मुशर्रफ दी तर्जुमान ते कदी नवाज लीग दे कसीदे पढ़न वाली कश्माला दे इस धमकी अमेज़ रवैये उत्ते सहाफी बरादरी दे आगुआं दा आखना है कि वह सवाल पुछन दी आज़ादी नूं कदे भी मजरू नहीं होण देणगे सवाल करना सहाफी दा हक है तो अगर उहदा जवाब उहदे कोल नहीं हैगा तो यह कोई तरीका नहीं हैगा यह तो बिल्कुल हमला हैगा जिहड़े हुक्मरान ने उहनां दे दिमाग च हुंदा है कि साडी फेवर च ही गल कीती जावे सानूं ऐसा सवाल ना कीता जावे जिहड़ा उहनां ने गलत काम कीते होण उहनां नूं पॉइंट आउट कीता जाए लेकिन सहाफ़ी लई ते सच दा जिहड़ा तलाश हुंदी है वह जरूरी हुंदी है असीं ते सच दी तलाश दे पिछे जांदे आ तो अगर कोई यहो जहा करता तो आज़ादी सहाफत हमला है तो असं यदि पुरजोर मुजम्मत करने और एहतजाज भी करा और जिन्ना चिर मुजम्मी माफ़ी नहीं मांगते असी इस तो पिछे नहीं हट सकते ये हकीकत अलग है कि कश्माला विफाकी मुत से बराए खातीन का अहदा किस मैरिट की बुनियाद पर मिलया है पर उन्होंने कोई हक नहीं पहुँचता कि वह सहाफिया इंज खुलेआम धमकियां देन ते नाल नाल उन्होंने यरगमाल भी बना लैन असी मतीउल्लाह जान दे नाल आ उस टीम दे नाल आ अगर मतीउल्लाह जान के हवाले नाल गवर्नमेंट ने उत्थे इंसाफ फराहम ना किया असी पूरा इत्थे तहरीक चलावांगे मतीउल्लाह जान उदों तक तहरीक चलावांगे जो तक इंसाफ नहीं मिलता साडे लोगों जिन्हां नाल ज़्यादती हुई उन्हां दे जिहड़े मुलज़म ने उन्हां नूं कैफे करदार तक नहीं पहुँचाया जाता सानू मुजाहरे करने पए असी मुजाहरियां च वी जावांगे सानू वैसे गवर्नमेंट दे हर फोरम ते आवाज़ चुकन दा सानू मौका मिलदा रहा असी हर फोरम ते आवाज़ भी चुकांगे कश्माला जीआं बीबियां चोर दरवाजे तो वड्डे अहुदे तां लै सकदियां ने पर सहाफत दी आज़ादी ते सवाल पुछण दा हक नहीं खो सकदियां सहाफी बरादरी मतीउल्लाह जान दे नाल कंध बण के खलोती हुई है